मंत्रिमंडल ने सारी प्रेजेंटेशंस को देख करके जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी प्रेजेंटेशन थी उसके आधार पर निर्णय लिया है कि 2 अगस्त 2021 से सभी स्कूलों में 10वीं 11वीं और 12वीं की कक्षाएं एसओपी के साथ जो है वो प्रारंभ हो जाएंगी। ये प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, हेडमास्टर्स जो उनको गाइडलाइंस गई हुई हैं उसके हिसाब से देखेंगे, अपनी अकोमोडेशन को अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे और अपने यहां के टीचर्स की संख्या को के हिसाब से जो है वो तय करेंगे कि किस प्रकार से जो है बच्चों की इन क्लासेस की एजुकेशन जो है वो प्रारंभ की जाए। इसी प्रकार से 5वीं और 8वीं की कक्षाएं, ये भी बोर्ड कक्षाएं हैं, इनको जो है वो स्कूलों में डाउट क्लियरेंसेस के लिए या अध्यापकों से जो है वो कोई गाइडेंस के लिए आने की अनुमति होगी। इनकी क्लासेस नहीं लगेंगी, लेकिन अगर किसी अध्यापक से इनको कोई पता करना है, डाउट क्लियर करना है, पूछना है, तो उसके लिए जो है ये स्कूलों में आ सकेंगे और एसओपीस का इनको जो है वो पालन करना होगा। ये भी 2 अगस्त से ही जो है वो प्रारंभ होगा। इसके अलावा सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ट्यूशंस के इंस्टीट्यूशंस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वो 26 जुलाई से खुल जाएंगे, उनको भी जो एसओपीज जारी हुई हैं उसका पालन करना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के खोलने को भी स्वीकृति भर्ती करने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। 100 JOA IT